हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। तो ये सामने लिखा है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, और रेजोनेंस आप इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझा चुके हैं हम जो हमसे हो सकता था, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया भी होगा। और अब इसकी शार्पनेस, तो बताया कि रेजोनेंस क्या है। किसी सोर्स की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से किसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी की मैचिंग है, और जब ड्राइविंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाता है या उसके बहुत क्लोज जाता है, तो उस सर्किट में फ्लो करने वाली करंट का एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा हो जाता है, यानी इफेक्टिव करंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो करंट का एम्पलीट्यूड बड़ा होगा तो RMS करंट में इफेक्टिव करंट भी क्या होगी, बड़ी करंट होगी। तो इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं। अब रेजोनेंस शार्प होने का क्या मतलब है, और शार्पनेस अच्छी चीज़ है कि ये अच्छा नहीं कहा जाएगा किसी रेजोनेंस के मामले में कि रेजोनेंस शार्प है, तो इसका मतलब जो पहले वाला ग्राफ वही है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट और फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, उसी का ग्राफ है। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए तो बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। ये कहिए कि सोर्स की इस फ्रीक्वेंसी पर रिजल्टिंग करंट का एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है, तो हम यही कह देते हैं कि सर्किट इसी फ्रीक्वेंसी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है या इसी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को ज़्यादा बढ़िया से एक्सेप्ट करता है, इसलिए उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कही जाती है। तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई। अब शार्प है तो क्या होगा, इसका ग्राफ कुछ इसी तरह का होगा, नैरो होगा। मीन्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है सर्किट की या जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, उससे थोड़ा भी सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो भी एम्पलीट्यूड बहुत तेज़ी से नीचे आता है, कम हो जाता है। ये वैल्यू इतनी है, कम हो जाएगी। अगर थोड़ा नेचुरल इसकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उससे थोड़ा कम फ्रीक्वेंसी कर दें सोर्स की, तब भी एम्पलीट्यूड बहुत नीचे आ जाता है। देखिए, जैसे इस फ्रीक्वेंसी से अगर इतना फ्रीक्वेंसी कर दें तो करंट का एम्पलीट्यूड फिर यही हो जाएगा, इतना हो जाएगा बस। ठीक है, तो जो ऑसिलेशन हो रहा था वो ऐसा हो जाएगा, और कहाँ ऐसे ऑसिलेशन हो रहा था तब वो ऑसिलेशन अब इतना बड़ा एम्पलीट्यूड हो जाएगा, पर इतना बड़ा एम्पलीट्यूड था, तो कुछ ऐसा इस तरह की चीज़ हो जाएगी। तो शार्पनेस एक तरह से इसकी अच्छी क्वालिटी मानी जाती है, कि रेजोनेंस की क्वालिटी अच्छी है, और जो रेजोनेंस का पर्पज है कि किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से मैचिंग हो, उसी फ्रीक्वेंसी की साउंड आए अगर आप ट्यूनिंग सर्किट यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि इस फ्रीक्वेंसी से भी बड़ा एम्पलीट्यूड आ रहा है। जैसे ये अगर कुछ इस तरह का अगर ग्राफ है ऐसा इस तरह का, ठीक है, तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गई, और इतनी फ्रीक्वेंसी है तो भी काफ़ी एम्पलीट्यूड है, तो कई स्टेशन से अगर सिग्नल आ रहे हैं, इस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के लिए भी साउंड ज़्यादा आ रही है, इस फ्रीक्वेंसी के लिए भी साउंड ज़्यादा आ रही है, इस फ्रीक्वेंसी के लिए भी ठीक ठाक साउंड आ रही है, इतना एम्पलीट्यूड है। देखिए, तो क्या हो जाएगा, एक साथ कई साउंड आएगी ट्यूनिंग के बाद, क्लियर नहीं आएगी, वॉइस मिक्स्ड आएगी, तो क्या बोलेंगे, ये अच्छा रेजोनेंस नहीं कहा जाता। तो अगर ये ब्रॉड है काफ़ी, शार्प नहीं है, तो उसको कहेंगे अच्छा रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस का मतलब मैचिंग, एक से यहाँ से वहाँ चारों ओर से मैचिंग हो जाएगी तो कई साउंड एक ही में आएंगे, तो वहाँ मैचिंग अच्छी नहीं कही जाएगी। ओके, तो हम जो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी शार्पनेस को मेजर कैसे किया जाता है, इसकी बैंडविड्थ से, कि शार्प है तो बैंडविड्थ कम है। तो रेजोनेंस नैरो ग्राफ है ये, रेजोनेंस अगर शार्प है तो उसको गुड क्वालिटी रेजोनेंस कहते हैं। ठीक, सो इफ रेजोनेंस इज शार्प ओके, इट इज नोन एज गुड क्वालिटी रेजोनेंस ओके, ऐसा हो। और शार्पनेस किसके टर्म्स में मेजर की जाती है, बैंडविड्थ के टर्म में मेजर की जाती है, कि बैंडविड्थ अगर अच्छी है तो शार्पनेस अच्छा है। ओके, शार्पनेस
शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ ऑफ व्हाट फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड ग्राफ ओके फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड ग्राफ ओके तो बैंडविड्थ और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो वही है तो इससे हम डिफाइन करेंगे कि क्या शार्पनेस है इवन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के टर्म्स भी करेंगे ग्राफ एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो बैंडविड्थ क्या बैंडविड्थ देखिए इसकी विड्थ वैसे विड्थ तो वेरी कर रही है यहाँ पर विड्थ कुछ ज़्यादा है यहाँ विड्थ कम है यहाँ विड्थ कम है यहाँ विड्थ कम है यहाँ विड्थ और कम है यहाँ पर जीरो जैसा है तो बैंड विड्थ इसकी कहाँ कौन सी विड्थ हम बैंड विड्थ कहें ओके बैंड का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो फ्रीक्वेंसी की पट्टी है बैंड है उसकी बात करें तो कहाँ विड्थ लें तो विड्थ कहाँ जाती है जहाँ पर एम्पलीट्यूड की जहाँ पर इफेक्टिव वैल्यू होती है करंट की अगर एम्पलीट्यूड आई एम मैक्सिमम मतलब ये रेजोनेंट एम्पलीट्यूड इतना है तो उसकी तो करंट की इफेक्टिव वैल्यू कितनी होती है आरएमएस वैल्यू वो क्या होती है इसका √2 × 1/√2 यही तो होता है तो 1/√2 करंट का जो रेजोनेंट एम्पलीट्यूड है उसका 1/√2 जहां एम्पलीट्यूड आता है कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है ये वाला एम्पलीट्यूड देखिए इस फ्रीक्वेंसी पर आ रहा है ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी क्या है इस फ्रीक्वेंसी से थोड़ी कम है ठीक है ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा ऐसा होगा और ये फ्रीक्वेंसी ये कितनी है ओमेगा इस यही एम्पलीट्यूड इस फ्रीक्वेंसी पर भी है देखिए इस फ्रीक्वेंसी पर भी है इतना ही एम्पलीट्यूड जितना ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा ये फ्रीक्वेंसी है उस पर जो एम्पलीट्यूड है इस फ्रीक्वेंसी पर भी वही एम्पलीट्यूड है ये ग्राफ ऐसा है कि रेजोनेंट एम्पलीट्यूड को छोड़ करके ओके बाकी जो करंट के एम्पलीट्यूड हैं वो दो दो फ्रीक्वेंसी पर आते हैं रेजोनेंट एम्पलीट्यूड एक ही इसी फ्रीक्वेंसी पर आपको मिलता है और बाकी जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो इन दो 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 फ्रीक्वेंसीज पर मिलते हैं ओके तो इनके लिए फ्रीक्वेंसी वैल्यू यूनिक नहीं तो यहां पर क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा ये ऐसा हो जाएगा तो इन दोनों फ्रीक्वेंसीज पर अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी इतनी है या इतनी है तो करंट का एम्पलीट्यूड क्या होगा रेजोनेंट एम्पलीट्यूड का 1/√2 होगा तो इन्हीं फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस क्या लिया जाता है बैंड विड्थ की तरह लिया जाता है यही बैंड विड्थ है सो दिस इज डिफरेंस ऑफ दोज टू फ्रीक्वेंसीज करस्पॉन्डिंग टू विच एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इज 1/√2 द रेजोनेंट एम्पलीट्यूड ऑफ करंट फिर सिर्फ बोल दे रहे हैं बैंडविड्थ ऑफ रेजोनेंस इज डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ दोज टू फ्रीक्वेंसीज ऑफ सोर्स करस्पॉन्डिंग टू विच एम्पलीट्यूड ऑफ करेंट इज 1/√2 द रेजोनेंट एम्पलीट्यूड ऑफ करेंट ओके ऐसा हो तो आइए बैंडविड्थ हम देखते हैं बैंडविड्थ कैसे डिफाइन करते हैं बैंडविड्थ ओके This is what? So bandwidth of resonance is defined as
इज डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ दोज टू फ्रीक्वेंसीज ऑफ ड्राइविंग सोर्स ड्राइविंग सोर्स फॉर विच एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग करेंट एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग करेंट इज वन अपॉन रूट टू टाइम्स द रेजोनेंट एम्पलीट्यूड ऑफ करेंट रेजोनेंट एम्पलीट्यूड ऑफ रेजोनेंट एम्पलीट्यूड ऑफ करेंट ऐसा। तो ये कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी देखिए ओमेगा एंड दीज फ्रीक्वेंसीज आर हियर इन द गिवन फिगर के इन द गिवन फिगर के दीज फ्रीक्वेंसीज आर ओमेगा वन दिस इज ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा के यहां पर ये इसको ओमेगा वन कह दीजिए इसको ओमेगा टू कह दीजिए एंड ओमेगा टू इक्वल्स ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा ये तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगा देन बैंडविड्थ इक्वल्स ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू एंड दिस इज हाउ मच टू डेल्टा ओमेगा दिस इज बैंडविड्थ सो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज इट इज रेशियो ऑफ बैंडविड्थ टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इसी को आप शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कहते हैं तो शार्पनेस of resonance is defined as the ratio of resonant frequency के ओमेगा नॉट टू बैंड विड्थ ऑफ रेजोनेंस टू डेल्टा ओमेगा ऐसा हो ठीक है इसको आप क्वालिटी फैक्टर भी कहते हैं That is sharpness of resonance equals omega naught upon 2 delta omega. तो bandwidth जितना कम होगा उतना ही sharpness अच्छा होगा इसको आप quality factor कहते हैं This is also called quality factor of resonance. Quality factor of resonance. तो clearly bandwidth जितना कम होगा उतना ही resonance quality अच्छी होगी. So smaller the bandwidth
बैंड विड्थ, ओके, हायर विड्थ, ओके, और ग्रेटर विल बी, ग्रेटर विल बी द क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस। अब देखिए क्या होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर तो आप जानते ही हैं, करंट का एम्पलीट्यूड आप जानते हैं क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जेड मिनिमम होगा उस समय। तो अभी जो रिलेशन है, तो डेरिवेशन ऑफ रिलेशन, यहां पर आते हैं। एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट आई, एंड दिस इज मैक्सिमम, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, वी एम अपॉन आर, मीन्स आर यहां क्या है, सेड मिनिमम के इक्वल, ही तो है मैक्सिमम। और जो ओमेगा वन फ्रीक्वेंसी पर, ओमेगा वन और ओमेगा टू फ्रीक्वेंसी है, दोनों पर करंट का एम्पलीट्यूड इतना है, आई एम मैक्सिमम अपॉन रूट टू, ये है ना। तो इन फ्रीक्वेंसीज पर क्या होगा, फॉर एनी अदर फ्रीक्वेंसी, एनी अदर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स हम क्या लिखते हैं, आई एम इक्वल्स वी एम अपॉन जेड, और ये जेड क्या है, वी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर, यही होता है। तो अगर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा वन है या ओमेगा टू है, तो यहां पर क्या होगा, ओमेगा वन ले लें चाहे ओमेगा टू ले लें, जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो क्या है, आई एम मैक्सिमम का वन अपॉन रूट टू टाइम्स है, तो जो करंट का एम्पलीट्यूड है ये हो जाएगा। तो ये अगर यहां ओमेगा वन है तो फिर क्या हो जाएगा, ये आई मैक्सिमम अपॉन रूट टू हो जाएगा। फॉर ओमेगा इक्वल्स ओमेगा वन, आई एम इक्वल्स आई एम मैक्सिमम अपॉन रूट टू, है ना। दिस इंप्लाइज दैट आई एम मैक्सिमम अपॉन रूट टू इक्वल्स वी एम अपॉन आर स्क्वायर, रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा वन एल माइनस वन अपॉन ओमेगा वन सी एंड स्क्वायर ऑफ दिस थिंग, ओके। और ये आई एम मैक्सिमम क्या है, वी एम अपॉन आर है, आई एम मैक्सिमम देखिए क्या है, वी एम अपॉन आर है, आर क्या है, जेड मिनिमम है। सो दिस इंप्लाइज दैट वन अपॉन रूट टू और आई एम मैक्सिमम की प्लेस में क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन आर, एंड दिस इज इक्वल टू वी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा वन एल माइनस वन अपॉन ओमेगा वन सी। कंपेयर डिनोमिनेटर्स, सो आर रूट टू इक्वल्स आर स्क्वायर प्लस ओमेगा वन एल माइनस वन अपॉन ओमेगा वन सी स्क्वायर। यू कैन राइट ओमेगा टू ऑल्सो बिकॉज करस्पॉन्ड टू दैट फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इज सेम, ओके। सो स्क्वायर, ऑन स्क्वायरिंग वी हैव
आर स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर प्लस ओमेगा वन एल माइनस वन अपान ओमेगा वन सी स्क्वायर। ओके, और आर स्क्वायर इक्वल्स ओमेगा वन एल माइनस वन अपान ओमेगा वन सी। ये कैंसिल हो गया इसलिए ऐसा है, और यू कैन राइट आर इक्वल्स ओमेगा वन एल, सो स्क्वायर रूट आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा वन एल माइनस वन अपान ओमेगा वन सी, और ये कितना है ओमेगा वन, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा सी हियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते जाते हैं इस पर। और यहां पर एक चीज हो जाएगा, देखिए अभी ये ओमेगा नॉट क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, यहां भी है यहां भी है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है ना, फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आप लिखते हैं ना ओमेगा नॉट एल इक्वल्स वन अपॉन ओमेगा नॉट सी, ये तो इक्वल ही होता है ना, यही ना एक्सएल रेजोनेंस पर क्या होता है एक्सएल इक्वल एक्स सी, यही तो होता है, तो यही चीज तो लिखा हुआ है। तो हम यहां पर वो कंडीशन ले आएंगे, देखिए और आर इक्वल्स लेट दिस ओमेगा नॉट आउटसाइड ओमेगा नॉट एल ओमेगा नॉट कॉमन हो जाएगा वन प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, ये हो गया माइनस वन अपॉन ओमेगा नॉट सी, ओमेगा नॉट सी ओमेगा नॉट कॉमन, सो वन प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट एल हियर वन अपॉन ओमेगा नॉट सी हियर, दोनों तो इक्वल हैं, आप चाहे इसको आप वन अपॉन ओमेगा नॉट सी लिख दीजिए, चाहे इसी को ओमेगा नॉट एल लिख दीजिए, तो दोनों बात तो वही हो जाएगी। सो ओमेगा नॉट इज, सिंस ओमेगा नॉट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओके, देयरफोर ओमेगा वन अपॉन ओमेगा नॉट सी इक्वल्स ओमेगा नॉट एल, ठीक है, ये ओमेगा नॉट एल हो गए, तो जहां वन अपॉन ओमेगा नॉट सी है वहां पर आप ओमेगा नॉट एल लिख सकते हैं। So we have R omega naught L 1 plus delta omega upon omega naught K, और इसको क्या लिख सकते हैं omega naught L upon वन प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट एल कॉमन हो जाएगा, इसको हम ऊपर ले आएंगे तो पावर में अब नेगेटिव आ जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं, देखिए और आर इक्वल्स ओमेगा नॉट एल ओमेगा नॉट एल वन प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट माइनस वन प्लस ये पावर क्या हो जाएगा माइनस वन,
और ये चीज़ क्या है? डेफिनेटली ये बहुत छोटा होगा, आर ये कम होगा, ये वन से कम होगा, ये वाला डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, दिस विल बी मच मच लेस देन वन. ओके, सो दिस थिंग कैन बी एक्सपेंडेड एंड हायर पावर टर्म्स कैन बी नेग्लेक्टेड. सिंस ओमेगा डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इज लेस देन मच मच लेस देन वन, देयरफोर इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट पावर माइनस वन, ओके, हायर पावर टर्म्स कैन बी नेग्लेक्टेड. हाँ, वो छोटे होंगे, है ना, हायर पावर टर्म्स. बायनोमियल एक्सपेंशन आपको फिजिक्स में कहीं कहीं ही मिलता है, उनमें से एक ए भी है जो रेयर ही मिलता है आपको. टर्म्स कैन बी निग्लेक्टेड. तो फिर यहां पर क्या लिख सकते हैं? सो वन प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट पावर माइनस वन इज नियरली इक्वल टू, लिखते हैं ना, वन प्लस, अगर एक्स वन प्लस एक्स है, पावर एन है, तो अगर ये बहुत छोटा है एक्स, तो क्या लिखते हैं? वन प्लस एन एक्स. तो यहां क्या हो जाएगा? वन माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, ये हो जाएगा. दिस इज नियरली इक्वल. बाकी हायर पावर टर्म्स क्या कर दिए? नेग्लेक्ट कर लिए गए, उसको हम छोड़ दिए. तो फिर यहां से, सो नाउ वी हैव आर इक्वल्स ओमेगा नॉट एल, और ये कितना होगा? वन प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट यहां पर टू डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट. तो अगर इसको हम इधर ले आए तो एक रिलेशन तो यही हो गया. अगर देखा जाए तो ये ओमेगा नॉट कट जाएगा, तो टू डेल्टा एल इंटू टू डेल्टा ओमेगा, ऐसा मिल रहा है रिलेशन. लेकिन इसको हम आगे बढ़ाते हैं, हमें उस रिलेशन से बहुत मतलब नहीं है, हमें तो साफने साफ रेजोनेंस चाहिए. तो हम उसी को मेंटेन रखते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि इसके इक्वल क्या आता है. ओमेगा नॉट अपॉन टू डेल्टा ओमेगा इक्वल्स ओमेगा नॉट एल, देखिए अभी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ये, अपॉन आर. तो यही है, ये क्वालिटी फैक्टर है, साथ में सब रेजोनेंस है. तो एल एच एस क्या है? सो एल एच एस इज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ओके, और क्वालिटी फैक्टर क्यू, क्वालिटी फैक्टर क्यू. तो हम क्या लिखते हैं इसको? देन क्यू इक्वल्स ओमेगा नॉट एल बाई आर, ये भी है, और साथ में ओमेगा नॉट एल को वन अपॉन ओमेगा नॉट सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है? इसके इक्वल होता है ओमेगा नॉट सी, वो पहले भी इसमें मेंटेन रख सकते थे. तो ये देन क्यू इक्वल्स वन अपॉन ओमेगा नॉट सी टू आर, ये भी हो जाएगा, और ऐसा होगा. तो ये क्वालिटी फैक्टर है. तो इसको क्वालिटी फैक्टर हाई रखना है तो वैल्यू सी की कम होनी चाहिए, आर की कम होनी चाहिए, एल की वैल्यू हाई होना चाहिए.
तो क्वालिटी फैक्टर हाई है तो रेजोनेंस क्या हो जाएगा, शार्प हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा नॉट एल अगर हाई है, एल हाई है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, इसका मतलब बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसी को बोलते हैं कि सर्किट बढ़िया सेलेक्ट करता है कुछ, जिस वेव को सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करता है, और सर्किट बढ़िया करते हैं कि अच्छा सेलेक्टिव होता है, क्वालिटी फैक्टर है, क्वालिटी फैक्टर इसका हाई है, तो हाई क्वालिटी रेजोनेंस होता है। द रिजल्ट क्लियरली इंडिकेट्स दैट if L is higher, inductance higher है, higher, okay, the resonance will be sharper, resonance will be sharper, okay, sharper, that is circuit will be more selective, okay, इसको बोलते हैं मोर सेलेक्टिव, अति अच्छा सेलेक्ट करता है रेजोनेंस। नैरो रेजोनेंस होने का मतलब यह है कि कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही रेजोनेंस होगा, बहुत दूर दूर की फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस नहीं होगा, तो कुछ ही को सेलेक्ट करेगा, तो इसी को बोलते हैं कि शार्पर, दैट इज सर्किट इज बेटर सेलेक्टिव। तो इसको याद रखिए, ये साथ में अगर L हाइयर है तो रेजोनेंस शार्पर होगा, R भी कम होना चाहिए, R स्मॉल होगा तो भी, ओके, सो L इज हाई, सो क्लियरली द रिजल्ट क्लियरली इंडिकेट्स दैट इफ L इज हाइयर एंड R इज स्मॉलर, कह सकते हैं यहाँ पर, एंड R इज स्मॉलर, ठीक है, तो R छोटा होना चाहिए और L बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तब क्या होगा, ये सर्किट बेटर सिलेक्टिव होगा, और कहते हैं दिस इज मोर सिलेक्टिव, ओके, सो दिस इज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अभी हम लोग इस शार्प रेजोनेंस वाले और LCR सर्किट वाले पार्ट को थोड़ा कंप्लीट किया, हालांकि अभी ये तो और LCR वाला आगे भी है, इसके पावर अभी है, तो ठीक है, फिर मिलेंगे उसके लिए, लेकिन इस वीडियो में यहीं तक। तो आप फिर से देखिएगा वीडियो, समझिएगा, और कमेंट अपने ज़रूर भेजिएगा, ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, साथ बने रहिए।